अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर रेल लाइन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बाप बेटा रेल लाइन को लेकर जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर रेल लाइन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बाप बेटा रेल लाइन को लेकर जनता को गुमराह करते आए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन धूमल का बयान आता है कि मेरे बेटे अनुराग ने रेल लाइन के लिए कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दूसरे दिन ही अनुराग ने केंद्र सरकार का रेल लाइन के लिए बजट मुहैया करवाने के लिए आभार जताया जाता है। रामलाल ठाकुर ने पूछा कि कैसी रेल लाइन है जो कि आसमान से जाते हुए भानुपल्ली होते हुए ले तक पहुंच रही है और चुनावों के समय में ही रेल लाइन की याद बीजेपी को आ रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को ठगा है उनके लिए जनता को ठगना कौन सी नई बात है। के चुनाव के समय में याद आ जाती है। पहले दिन धूमल साहब का बयान आया कि मेरे बेटे ने कोई भी ऐसा बयान रेल लाइन के बारे में नहीं दिया। जिस दिन अखबार में आया उसे दूसरे दिन बयान आ गया कि मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए बता दिए कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया और ये जो ले वाली रेल लाइन है इसका सर्वे भी पूरा हो गया और सब कुछ हो गया। मैं सोचा यार रेल लाइन कहीं ऊपर हवा में तो नहीं जा रही, आजकल जाएगी तो जमीन से, वहां से भनुपली से बिलासपुर आएगी, मंडी जाएगी, आगे कुल्लू की तरफ हो जाएगी, कहीं चूना तो लगेगा, कहीं पे लोगों से जमीन तो अक्वायर होगी। ये कैसी रेल लाइन है जो चुनाव के समय में आसमान से जा रही है और सीधा ले पहुंचेगी और फौजियों को और हिंदुस्तान को फायदा हो जाएगा उसका। ऐसी ऐसी घोषणा करना, मैं ये कहूंगा कि इनका जो है आदत है, ये आज की आदत नहीं है, पहले की आदत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जिन्होंने मुल्क को ठगा वो हम और आप लोग जो है वो क्या किस बात की मूली है। मैं अनुराग जी से बिल्कुल ये कहना चाहूँ, तो मेरे से तो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको जो पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं अगर हिमाचल प्रदेश में मेरे पास, वही बीजेपी के संकल्प पत्र पर रामलाल ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिंदू रीति रिवाज में संकल्प पुरोहितों के सामने लिया जाता है और पिछली मोदी सरकार ने देश की 130 करोड़ की जनता को वायदों का संकल्प दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के तहत संकल्प तोड़ने वाला महापापी होता है और ये महापाप मोदी ने देश की जनता के साथ किया है। पहली बार ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को इकट्ठा करके ये जो अपना संकल्प पत्र है इसका नाम रखा संकल्प पत्र, संकल्प पत्र दिया और लोगों से वायदे किए मोदी जी ने कि भाई मैं ये फलां फलां काम करूंगा। अब आप जो मेरे से उम्र में बड़े हैं या मेरे जो सहयोगी हैं, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि संकल्प क्या होता है। संकल्प ये है कि जब ब्राह्मण हमारे से कोई संकल्प करवाता है तो भगवान को हाजिर नाजिर रख के करवाता है, भगवान की सौगंध खा के जो है वो संकल्प लिया जाता है। मोदी ने 130 करोड़ जनता के सामने संकल्प लिया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि संकल्प लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति संकल्प तोड़ता है तो महापापी होता है और वो महापापी जो है वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, जिसने संकल्प लेके झूठ बोला, अपने संकल्प को तोड़ा और संकल्प तोड़ने के बाद आपको लाइनों में खड़ा कर दिया नोटबंदी के सारे। ये जब सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री होते थे और उसमें आरएसएस ने और बीजेपी ने उनको पार्लियामेंट का चेहरा जो है वो प्रस्तुत किया और जो वो भाषण उन्होंने किया था वो रिकॉर्डेड भाषण है। मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि चुनावी घोषणा पत्र तो कांग्रेस पार्टी भी देती है, बाकी पार्टियां भी देती हैं, लेकिन पहली बार ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को इकट्ठा करके ये जो अपना संकल्प पत्र है इसका नाम रखा संकल्प पत्र, संकल्प पत्र दिया और लोगों से वायदे किए मोदी जी ने कि भाई मैं ये फलां फलां काम करूँगा। अब आप जो मेरे से उम्र में बड़े हैं या मेरे जो सहयोगी हैं, मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि संकल्प क्या होता है। संकल्प ये है कि जब ब्राह्मण हमारे से
कोई संकल्प करवाता है तो भगवान को हाजिर नाजिर रख के करवाता है, भगवान की सौगंध खा के जो है वो संकल्प लिया जाता है। मोदी ने 130 करोड़ जनता के सामने संकल्प लिया और वो पहला संकल्प था कि किसानों के कर्जे माफ करने हैं। दूसरे संकल्प जो थे वो सुक्खू जी ने और कैप्टन साहब ने आपको बताए, वो बड़ा संकल्प ये था कि काला धन विदेशों में बहुत है, कांग्रेस के लोगों का है और मैं सत्ता में आऊँगा तो काले धन वालों को जेल में भेजूँगा और इतना धन हमारे पास आ जाएगा कि वो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। दूसरा संकल्प ये था। तीसरा संकल्प था रोजगार देने का और चौथा संकल्प था 100 दिनों के अंदर महंगाई को मैं कंट्रोल करूँगा। महंगाई कितनी कंट्रोल हुई वो यहाँ पे कैप्टन साहब ने आपको गैस के सिलेंडर का भाव बता दिया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि संकल्प लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति संकल्प तोड़ता है तो महापापी होता है और वो महापापी जो है वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, जिसने संकल्प लेके झूठ बोला, अपने संकल्प को तोड़ा और संकल्प तोड़ने के बाद आपको लाइनों में खड़ा कर दिया नोटबंदी के सहारे। बिलासपुर रैली के दौरान अमित शाह का अनुराग ठाकुर को केंद्र में बड़ा नेता बनाने के बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी चुनाव का दौर जारी है और किसकी सरकार बनेगी इसका किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हिमाचल के हमीरपुर सीट को लेकर अमित शाह जनता को सपने दिखाकर चले गए हैं। अमित शाह जी की बात है, अभी चुनाव का दौर जारी है, अभी किसकी सरकार बनेगी, कौन चुनकर आएगा, उसके बाद ऐसे बयान देने चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, मेरा ये मानना है कि उन्हें यहाँ स्थिति ठीक नहीं लग रही है, उस स्थिति को और उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार की जो सपने हैं वो हिमाचल की हमीरपुर संसदीय सीट पर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।